हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीके हिस्ट्री वर्सेस रियलिटी में। और मैं आज वापस आया हूँ वही लोकेशन, काली साया का खौफ। देखते हैं, वो भाई ने मुझे आज फिर बताया था कि यहाँ पे आप मना बोल रहे थे, उसके बावजूद भी होता है। तो देखते हैं, मैं और महेंद्र भाई आए आज, तो देख लेते हैं। महेंद्र भाई लोकेशन दिखा दो वापस। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन यारो यहाँ पे बहुत सारे मकोड़े आज घूम रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं गुजराती में? मकोड़ा, मकोड़े। ये एकदम जूम करके दिखा दी। पूरे रोड पे है ना? पूरे रोड पे चीटियां। इसको चला वाला लोकेशन दिखा देता है। चला आ जाओ। ये कुछ बना हुआ दिख रहा है, देखा? नहीं नहीं, वो क्या है? स्पाइडर। स्पाइडर ने घर बनाया हुआ, अंदर नहीं जाएंगे। स्पाइडर में दिखा दो मेरे को। दो देखो, स्पाइडर ने कितनी मेहनत करके बेचारा बना रहा है घर। हम लोग उसका घर तोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही मैं चलता हूँ आगे। यार बहुत खतरनाक है यार, इसका घर टूट जाएगा अंदर जाऊंगा। बहुत सारा डर सा महसूस हो रहा है। देखो हवा आ रही है बहुत सारी। नहीं है कोई रास्ता ही नहीं है। उस साइड से बहुत आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, अंदर जाएंगे कैसे? साला फ्लोर दिखा देते हैं। तो रोड पे दिखते चालू रखते, तो दिखता है कि नहीं दिखता है काला साया। वहाँ से यहाँ तक का जो दिखते हैं ना, यही रोड पे दिखता है काला साया। यहाँ तो मकोड़े दिखते हैं, काला साया दिख गया, लेकिन काली दिख गया है। सांप है यार, यहाँ पे सांप था। ना नहीं गई, देखता हूँ। मेरी गाड़ी की लाइट चालू की है मैंने, देखते हैं काले छाया कहाँ दिखता है कि नहीं दिखता है। देखो गाड़ी की लाइट चालू, गाड़ी दिखा देना भाई। गाड़ी की लाइट चालू रखी है हमने, देखिए यहाँ से गाड़ी उतार दे पूरी। हाँ, गाड़ी की लाइट चालू रखी है, देखते लॉन्ग शॉट दिखेगा हमको। चले दिखा देता हूँ गूगल टाइम। गूगल टाइम इंडिया देखो। तो महेंद्र भाई 12:21 तारीख टाइम सब दिखा दिया, पूरा देख लो। एक बार रिफ्रेश मार देता हूँ, रुक। गूगल टाइम इंडिया 12:21 रात को 12:30
वो भाई बोल रहे थे तुम उस दिन में आया था 11:30 के आसपास, तो भाई ने मेरे को बताया अब 12 बजे के बाद ही आना। मैं आया 12:10 के आसपास आया था, मेरा सेटअप करते हुए 12:20 हो गए, देखता हूँ और लाइट थोड़ी कम थी तो मैंने मेरी गाड़ी की लाइट चालू की है, रखते और चलते महेंद्र भाई एक बार और राउंड मार के आते आगे। और काली छाया तो नहीं लेकिन काली चीटियाँ बहुत दिख रही है। एक दो बार आवाज आई है सिर्फ, कुछ तो भोग रहे बहुत सारे। नरेश भाई यहाँ से अभी सांप गुजरा, आया कैमरे में कैसे हुआ? कैमरे में कैसे नहीं हुआ, अभी लाइट देख के रिटर्न चला गया। मेरे को एक बार दिखा था, देखो दोस्तों बहुत देखते तो ठीक है लेकिन ये जंगली जानवर सांप बिच्छू उनका डर ज़्यादा रहता है, और ये चीटियाँ देख के मेरे को लगता है कि जरूर होगा। चीटियाँ बहुत काटने वाली है, देखते महेंद्र भाई फोकस रखो यहाँ पे, सिर्फ कैमरा एग्जैक्ट सामने रखो, आप दिखता है नहीं दिखता है, एक बार चलते अपने वापस आते वहाँ से फिर निकल लेते, देखते। वो भाई ने बोला था 12 बजे तो हम 12:30 बजे आए। बाकी कोई आवाज़ एक बार दो बार आइए सिर्फ अंदर जंगल से, तो पता नहीं कुछ होगा अंदर जानवर बानवर जंगली, और कोई दिखा नहीं हमको। बाजू में तालाब है, मेढक वेढक की आवाज़ आ रही है, सिर्फ कुत्ते की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं। जो भाई बता रहा था ना स्टोरी महेंद्र भाई जी, उस हिसाब से तो अपने को कुछ दिखा नहीं, कुछ नहीं जो वो बता रहा था उस हिसाब से थोड़ा आगे आ जाओ, आपके पैरों में चिट्ठियाँ बहुत है। ऐसा कुछ दिखा नहीं अपने को, पास में हाईवे है दोस्तों और बाजू में तालाब है, एक साइड जंगल है एक टाइप तालाब है, तो मेरे लाइट थोड़ी मैंने इसलिए मेरी गाड़ी की लाइट चालू रखी है मैंने, देखते हैं अभी कुछ होता है नहीं होता। हमारे साथ मैं और महेंद्र भाई दोनों आए, तालाब का कुछ दिखा दिया, तालाब दिखा दो, तालाब में जा नहीं सकते ऐसे तो जाइया कुछ नहीं, और ऊपर इलेक्ट्रिक तार छुए हुए कभी भी शॉर्ट लग सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे चीटियाँ ज़्यादा हैं, अभी एक बार सांप आ गया। चलो ठीक दोस्तों, ऐसा कुछ महसूस हुआ नहीं हम लोगों को, पता नहीं वो लोग कैसे डरते हैं मेरे को नहीं समझ में आया। हम लोग चलो वो तो गांव के हैं ना, हम तो बाहर से आए हुए हैं तो हमें कुछ नहीं दिखा, वो भी 12:30 बजे रात के, सिर्फ एक दो बार जंगल से आवाज़ आई है तो जंगली जानवर की हो सकती है दोस्तों, और कुछ है नहीं फॉरर कुछ नहीं देखो एकदम, नहीं तो मेरे को पसीना वसीना कुछ नहीं हो रहा है। और आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया करें, इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आ रही होगी, और इसका अगर स्टोरी जाननी हो तो फर्स्ट पार्ट आई बटन पे क्लिक कर रहा होगा तो आप देख लेना वहाँ जाके फर्स्ट पार्ट, जिसने भी नहीं देखा हो तो उसको स्टोरी समझ में आ जाएगी। चलो महेंद्र भाई करते हैं बैकअप, निकलते कोई है ही नहीं, पता नहीं वो भाई ने हमारे साथ पहले भी उस बार बोला था, उसने उस टाइम हमको बोला था तो हमने सोचा कि चलो भाई हम लोग गए थे तो इस बार फिर आ गए, उस टाइम हम 11:30 के आसपास आए थे ना, 11:30 बस यहाँ पे ओनली फॉर काली चीटियाँ दिख रही है, बारिश का सीजन है इसलिए। चलो करते हैं बैकअप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही आप इंस्टा पे फॉलो करके मेरे को लोकेशन बता सकते हो, मैं विजिट करूँगा। ठीक है, चले जय हिंद जय भारत।